हेलो दोस्तों, मैं बीएम भारद्वाज, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कॉनिक सेक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, जो आने वाले एनडीए की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अगर आप ध्यान से देखें, कॉनिक सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिससे बहुत कठिन क्वेश्चंस एनडीए में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप उसके फार्मूले को याद रखते हैं, उन क्वेश्चंस को कम समय में आसानी से लगा करके आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉनिक सेक्शन होता क्या है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। कॉनिक सेक्शन क्या है? किसी ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, किसी ऐसे बिंदु का या किसी चर बिंदु का बिंदुपथ जिसका किसी निश्चित बिंदु से एवं निश्चित सरल रेखा से दूरियों का अनुपात हमेशा अचर है। लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट लाइन है, फिक्स्ड लाइन, एंड पी इज द फिक्स्ड पॉइंट, एंड नाउ Q is a variable point, fixed line, fixed point and variable point. अब यहां condition क्या है? ये जो variable point है हमारा, चर बिंदु है, इसका निश्चित रेखा से fixed point से डिस्टेंस क्या हो गया? QM। और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया? QP। तो ये QP अपॉन QM जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए हमारा। तो अगर इस वेरिएबल पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट और इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो अनुपात जो हो वो अचर हो हमारा, तो हमेशा Q का लोकस जो होगा, बिंदु पथ जो होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉनिक सेक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में शंकु कहा जाता है हमारा। अब ये तीन तरह का हो सकता है, मुख्यतः तीन तरह का। सबसे पहले इस फिक्स्ड पॉइंट की बात करें, तो इस फिक्स्ड पॉइंट को, निश्चित बिंदु को हम इस कॉनिक का फोकस कहेंगे, फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है हमारा, निश्चित रेखा है, इसको जो कहा जाता है वो डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसे नियता कहते हैं, इसे जो कहते हैं वो नाभि कहा जाता है, और कांस्टेंट रेशियो जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कहते हैं हम लोग। हिंदी में इसे उत्केंद्रता कहते हैं, उत्केंद्रता कहा जाता है। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनिक, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक, एंड कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक। इसे हम लोग सामान्यतः स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो फिर से एक बार समझें, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसका निश्चित बिंदु एवं निश्चित रेखा से दूरी का अनुपात जो हो वो अचर हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शन कहा जाता है हमारा, शंकु कहा जाता है। निश्चित बिंदु को नाभि, फोकस, निश्चित रेखा को डायरेक्ट्रिक्स जिसे हिंदी में नेता कहते हैं, और अचर अनुपात को इसेंट्रिसिटी जिसे हिंदी में आप क्या कहेंगे? उत्केंद्रता कहेंगे। इफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 देन पैराबोला, अगर उत्केंद्रता 1 के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? पैराबोला कहलाता है, जिसे हिंदी में परवलय कहेंगे आप। E का मान अगर 1 से कम हो और 0 से ज्यादा हो तो ये इलिप्स कहलाता है, जिसे हिंदी में आप दीर्घवृत्त कहेंगे। E का मान अगर 1 से ज्यादा हो तो ये हाइपरबोला कहलाता है। E का मान
अगर रूट टू के बराबर हो जाए जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे, ई का मान अगर जीरो के बराबर हो जाए तो ये सर्किल होता है, और ई का मान अगर अनंत की तरफ अग्रसर हो, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फिर से एक बार समझ, ई अगर इसेंट्रिसिटी अगर वन के इक्वल तो पैराबोला परवलय, ई का मान जीरो से वन के बीच में देन इलिप्स दीर्घवृत्त, ई का मान एक से ज्यादा हो तो यह हाइपरबोला अति परवलय, ई का मान रूट टू के बराबर हो जाए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब कि लाम्बिक अति परवलय कहलाता है, ई का मान अगर जीरो के बराबर हो जाए तो ये वृत्त यानी कि सर्कल कहलाएगा, और ई का मान अगर अनंत की तरफ अग्रसर हो, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा हो, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कहलाता है। तो अगर आप कॉनिक को पहचानना जानते हैं तो उसकी इसेंट्रिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी से कॉनिक को पहचाना जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी इंडिया की नंबर वन डिफेंस एकेडमी है, मैथ्स के ऐसे ही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियोज आपको और भी मिलेंगे, तो प्लीज आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग कॉनिक सेक्शन को पहचानते कैसे हैं, इक्वेशन से कैसे पहचाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।